हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्रॉब्लम है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ 2। क्वेश्चन पे हमें बोला हुआ है कि 0.1 मोलर यानी मोलारिटी गिवन है HCl सॉल्यूशन की, कितने मोल की हमें जरूरत पड़ेगी या सॉरी कितने मिलीलीटर की जरूरत पड़ेगी जो Na2CO3 एंड NaHCO3 से कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। आप जानते हैं ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं, वो एसिडिक होता है, वो आपका रिएक्ट करेगा तो वो आपका उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस प्रोसेस में कितने ml इस सॉल्यूशन यानी HCl के सॉल्यूशन की जरूरत पड़ने वाली ये हमें बताना है। और हमें पता है या फिर हमें कहा गया है Na2CO3 और NaHCO3 कितने ग्राम है, तो ये दोनों कि अब मिक्सचर दोनों को मिलाने पर 1 ग्राम है और साथ ही साथ दोनों इक्वी मोलर अमाउंट पे हैं। इक्वी मोलर अमाउंट पे यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल आपके समान है। थोड़ा सा ध्यान से आप देखते जाएंगे, हमने कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं लेट मास ऑफ Na2CO3 हमने कंसिडर कर लिया, मान लीजिए Na2CO3 का मास एक्स है। हमें पता है दोनों का टोटल मास तो 1 ग्राम है, दोनों को ऐड करने से कितने आने वाले हैं 1 ग्राम आने वाले हैं। तो दूसरा वाला कितना होगा, मास ऑफ NaHCO3 तो ये तो 1 - x होगा, क्यों, तभी जाके ना दोनों को ऐड करेंगे तो x x कैंसिल और रिजल्ट मेरा कितना आएगा 1। जैसे मान लेते हैं अगर कभी हमें कहा मिक्सचर 100 ग्राम का है, कोई अगर 20 ग्राम का है तो दूसरा कितना, तो दूसरा 100 - 20 यानी कि 80 ग्राम का होगा। तो बस अगर हमें टोटल मिक्सचर 1 ग्राम का है, अगर हमने इसे x कंसिडर किया तो दूसरा कितना हो गया 1 - x। आगे कहता है कि इन दोनों जो है इक्वी मोलर अमाउंट पे हैं, इक्वी मोलर अमाउंट में है यानी कि दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। नंबर ऑफ मोल के लिए तो पहले मोलर मास चाहिए होगा, मोलर मास ऑफ Na2CO3 सोडियम 23 × 2 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 × 3 46 12 58 और ये आपका कितना हो गया 48 56 एंड 48 106 मोलर मास ऑफ NaHCO3। तो ये हो गया 23 1 12 16 × 3 48 12 60 60 84 नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना 1 - x। तो ये दोनों के मोल आ गए। और हमें क्वेश्चन पे बोला हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है ना, क्योंकि हमें कहा हुआ है कि अमाउंट जो है वो इक्वी मोलर अमाउंट पे है। इक्वी मोलर यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3। तो ये हुआ x डिवाइडेड बाय 106 1 - x 84 84x 106 - 106x ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा ना 190x इक्वल 106 सो x इक्वल 106 डिवाइडेड बाय 190। तो ये सॉरी x x x x तो अमाउंट है ना, तो ये मेरा ग्राम पे आ गया। फिर बता दे रहा हूँ हम लोग कर क्या क्या कर रहे हैं। हमें बताना है कि 0.1 HCl से कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए 1 ग्राम कितना ml 0.1 मोलर से रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके कितने अमाउंट हैं, क्योंकि हमें सीधे सीधे इनका अमाउंट नहीं दिया हुआ है, हमें इनके मिक्सचर का अमाउंट दिया हुआ है कि ये मेरा कितने का है, ये 1 ग्राम का है। तो 1 ग्राम का मिक्सचर है
तो पहले हम लोग पता कर लेंगे, और अगर आपको याद होगा हम लोग 11th में स्टाइकोमेट्री पढ़ते थे, तो हम लोग पता कर सकते हैं इक्वेशन से कि हाँ अगर इसका 1 मोल उसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसके अगर 5 मोल है तो उसके भी 5 मोल चाहिए, 10 है तो 10 चाहिए। वो आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से इसे बस समझें। तो पहले तो हमें अमाउंट पता करना होगा कि इनका इंडिविजुअल अमाउंट कितना है, अकेले अकेले कितना है। तो हमने एक के मास को कंसिडर किया एक्स और दूसरे को कंसिडर कर लिया, तो टोटल मास 1 है, तो ये 1 माइनस एक्स। फिर आगे कहता है कि दोनों के मोल तो सेम, तो दोनों के मोल निकालने के लिए हम मोलर मास निकाला, मोलर मास से मोल निकाला, और क्वेश्चन कहता है कि मोल सेम है, तो यहाँ से अभी तक तो एक्स आया है। एक्स के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ रख दें तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इस साइड को इरेज कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल, और हमें पता है दोनों के नंबर ऑफ मोल तो सेम है, चलिए उस पर बात करेंगे। एक्स का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, एक्स बाई 106, यानी कि 106 डिवाइडेड बाई 190 बाई 106, 106 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 190 मोल। और हाँ फिर वही बात पे कि जितने मोल Na2CO3 के हैं उतने ही मोल तो NaHCO3 के हैं ना, इसीलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ NaHCO3 इज ऑल्सो 1 बाई 190। अगर आपको संशय है कि ये होगा कि नहीं, आप यहाँ x का वैल्यू लेकर सॉल्व कर लें, वही आएगा। तो हमें क्या मिला, हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल मिल गए हैं। अभी में हमें पता करना है कि इनसे कंप्लीटली, HCl से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हमें कितने मोल की जरूरत है या फिर क्या। तो हमें तो दिख रहा है कि इतने इतने मोल इसके प्रेजेंट हैं। अब हमें इक्वेशन बताएगा कि HCl से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए। अब ध्यान से देखें तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, ये रहा मेरा सोडियम कार्बोनेट, HCl से जब रिएक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, बेस एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा NaCl, 2 टाइम्स है, 2 लगा ले, प्लस कार्बोनेट है तो ये CO2 रिलीज करता है, ये तो सभी को पता है, और साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसलिए ये वाटर भी फॉर्म करेगा। तो ये हो गया Na2 जब CO3 रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है, 2 बार Cl चाहिए इसलिए 2 लगा दी, ये बैलेंस हो गया ना। इससे क्या, तो इससे ये कि आप कह सकते हैं 1 मोल, ध्यान दीजिए, 1 मोल Na2CO3 से रिएक्ट करने के लिए हमें 2 मोल HCl की जरूरत है। फिर से, 1 मोल Na2CO3 से रिएक्ट करने के लिए हमें 2 मोल HCl की जरूरत है, तो 1 बाई 190 मोल से रिएक्ट करने के लिए इसके 2 टाइम्स, यानी कि कितने मोल, 2 बाई 190 मोल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा दूसरे वाले के इक्वेशन को भी लिखे रहते हैं, NaHCO3 के लिए अगर लिखें, ध्यान दीजिएगा, NaCl प्लस CO2, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट का प्रोडक्ट सेम रहता है, हो सकता है बैलेंस में डिफरेंस आएगा, अभी में ये कंप्लीटली बैलेंस है। और इसको देखिएगा तो आप कहिएगा 1 मोल स्टोइकोमेट्री, 1 मोल NaHCO3 से रिएक्ट करने के लिए 1 मोल HCl की जरूरत है, तो 1 बाई 190 से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, 1 बाई 190। अगर थोड़ा बहुत लिखते हैं उस साइड इरेज करके, 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट विथ या कंप्लीटली रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ HCl। अगर किसी को दिक्कत है कि क्यों कैसे जाने 2 मोल, यहां देखकर 1 मोल रिएक्ट करता है कितने मोल से, 2 मोल से, आपके पास कितने हैं, 1 बाई 190, तो 1 बाई 190 कितने से रिएक्ट करेगा, तो 1 बाई 190, तो 2 बाई 190, 2 टाइम्स HCl से रिएक्ट करेगा। सिमिलरली वन मोल NaHCO3 1 मोल से रिएक्ट करता है, 1 मोल ऑफ NaHCO3 कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ HCl। इसके भी कितने मोल, इसके भी 1 बाई 190, तो ये कितने से रिएक्ट करेगा, ये भी 1 बाई 190 मोल से रिएक्ट करेगा। यानी कि Na2CO3 से रिएक्ट करने के लिए इसके 2 बाई 190 मोल चाहिए,
और इससे रिएक्ट करने के लिए 1/190 मोल चाहिए, यानी कि टोटल कितने चाहिए, तो आप कह सकते हो टोटल 2/190 और 1/190 को ऐड करना होगा, यानी कि फिर से मैं एकदम पहले लाइन पे आ रहा हूँ, 1 ग्राम मिक्सचर से कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए HCl को कितने मोल चाहिए होंगे, तो 2/190 प्लस 1/190 यानी 3/190 मोल HCl की जरूरत पड़ेंगे या HCl सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेंगे। तो अगर इसे लिखा जाए, सो टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद गिवन मिक्सचर 2/190 प्लस 1/190 इक्वल 3/190। अगर आपने यहाँ तक समझ लिया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस पे आगे बस एक लाइन लिखकर हम लोग ML निकाल सकते हैं। हमने पहले पता किया कि हमें NaHCO3 के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, Na2CO3 के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, फिर हमने इक्वेशन लिखा, इक्वेशन से पता किया कि इनसे रिएक्ट करने के लिए Na2CO3 और NaHCO3 से रिएक्ट करने के लिए हमें कितने मोल HCl की जरूरत पड़ेगी, और उसके बेसिस पे हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ मोल कितने चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल 3/190 चाहिए। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो अभी में हमें 3/190 मिल गया है। हमें नंबर ऑफ मोल पता है HCl का, HCl सॉल्यूशन का मोलारिटी पता है, और यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो आप जानते हो मोलारिटी इक्वल होता है कैपिटल M यानी मोलारिटी ना, मोलारिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज इन लीटर, तो मोलारिटी 0.1 3/190 डिवाइडेड बाय V, तो V इक्वल 3/190 इंटू 0.1, और ये तो लीटर में है, और लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 0.0 कैंसिल हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब आप इसे सॉल्व कर लें तो ये अप्रोक्सीमेट 157.8 ml समथिंग आता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 157.8 मिलीलीटर, यानी कि हम लोग के इस सॉल्यूशन के 157.8 ml की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी एक्सरसाइज से था, ये आपको समझ में जरूर आया, आप जरूर इसे और एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि ये आपका मल्टी स्टेप पे है, क्योंकि हमें सीधे पे HCl के मोल नहीं दिए हुए हैं, हमें कहता है कि पहले बताइए उनसे कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए, तो उनसे कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए पहले उनके मोल चाहिए, फिर इक्वेशन लिखकर स्टोइकोमेट्री से पता करेंगे इसके कितने मोल चाहिए, और जहां हमें HCl के मोल मिल गए तब तो हम लोग वॉल्यूम जरूर बता सकते हैं।